Hi everyone, this is Anjali and welcome or welcome back to my channel. तो आज का वीडियो होने वाला है गेट रेडी विद मी वीडियो. और आज की वीडियो में ना हम ये वाला लुक क्रिएट करने वाले हैं क्योंकि फेयरवेल का टाइम आ रहा है और शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया है. सो होप आपको ये वीडियो उस चीज़ में हेल्प करे. और एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगी कि मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ प्रोफेशनल. तो मैं नॉर्मली जैसे मेकअप करती हूँ तो मैं वो रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो आज हम ये जो मेकअप लुक है वो 4 से 5 प्रोडक्ट मैक्स टू मैक्स यूज़ करके क्रिएट करने वाले हैं और वो भी एकदम अफोर्डेबल सी रेंज में, ताकि आप बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से एक मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं. और मेरे को भी ना थोड़ा बहुत मेकअप आता है, मतलब थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ. तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी ट्राई कर सकते हो. लिंक्स जो है प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एज यूजुअल. तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. तो इस वीडियो में ना हम ट्राई करने वाले हैं पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स. तो पिलग्रिम ना एक वेल नोन ब्रांड है स्किन केयर के लिए, पर अब ना उन्होंने अपना मेकअप रेंज भी लॉन्च कर दी है जो कि इन्फ्यूज़ है विद द गुडनेस ऑफ स्किन केयर. तो मेकअप में आपको स्किन केयर मिक्स मिल रहा है, मतलब ऐसा. सो व्हेन आई वॉज इन माई 12th स्टैंडर्ड और हमारा फेयरवेल हो रहा था, तो उस टाइम पे मैंने एक ब्लैक कलर की ऑर्गेन्जा साड़ी खरीदी थी अपने फेयरवेल के लिए. तो आज हम उसी साड़ी के इर्द गिर्द अपना लुक क्रिएट करने वाले हैं. हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है क्लेंजिंग, विच आई एम ऑलरेडी डन विद इट. और अब आते हैं हमारे स्टेप टू पे. सो स्टेप टू में वी गोना यूज़ अ टोनर. तो मैं यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम कामा आयुर्वेदा. एंड देन हम बढ़ेंगे अपने स्टेप थ्री में. तो थर्ड स्टेप होने वाला हमारा मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र के साथ वो ड्यूई सा बेस के लिए ना मैं यूज़ करती हूँ पिलग्रिम का इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र. तो ये मॉइस्चराइज़र इंस्टेंट रोजी और ड्यूई ग्लो देता है, और ये है इन्फ्यूज्ड विद ऑस्ट्रेलियन कैकेडू प्लम, जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है वाइटामिन सी का, एंड इट गिव्स वेरी गुड हाईलाइटिंग इफेक्ट. तो मेरी स्किन बहुत ड्राई है, I'm gonna take a good amount of moisturizer and I'm gonna blend it with my hands. So as you can see कि इस moisturizer ने हल्का सा रोजी सा tint भी छोड़ा है मेरी skin पे. तो हमारा step 3 था. step 4 पे बढ़ने से पहले, क्योंकि हमने last में lipstick लगानी है ना, तो हम अभी से lip balm लगा देंगे ताकि lips को उनका moisture वगैरह मिल जाए तब तक के लिए. For lip balm I'm using this Dot In Key का caramel kiss. तो अब नेक्स्ट स्टेप में ना मैं यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे की 925 सीसी क्रीम, और मेरा शेड इसमें है 01 बेज. और मैं सीसी क्रीम में ना ये जो पिलग्रिम का इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र था उसको ऐड करने वाली हूँ. इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा ड्यूइनेस जो होगी ना हमारे बेस में वो बढ़ जाएगी. सो दिस इज़ हाउ इट इज लुकिंग. सो फॉर द आईज में हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, हम लाइनर यूज़ करेंगे. और थोड़ा बहुत अगर आपको शिमर चाहिए तो उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, जो कि है ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल. ये बहुत ही रोजी से शेड में है एंड ये कुछ इस तरीके से दिखता है. इट्स अ वेरी प्रिटी शेड. सो वी आर डन विद द आई शेडो. अब हम बढ़ते हैं अपने लाइनर की तरफ, विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट पार्ट. अब तो मेरे पास ना यहाँ पे 2 लाइनर है. पहला है पिलग्रिम की तरफ से, सो दिस इज देयर मेटालिक आई लाइनर इन द कलर ब्लू. तो ये काफ़ी पिगमेंटेड है, स्मज प्रूफ है और वाटर रेजिस्टेंस है. और इसमें की इंग्रेडिएंट ना आर्गन ऑयल है. द ब्रश इज ऑल्सो गुड एंड थिन, जिससे एकदम प्रिसाइजली लाइनर लग जाता है. और इसमें अदर कलर ऑप्शन भी आ जाते हैं. लिक्विड लाइनर यूज़ करने वाले हैं, तो हम पहले ना विंग बनाएंगे, फिर मिडल से स्टार्ट करेंगे, विंग से कनेक्ट करेंगे एंड फिर चीज़ों को फिल करने वाले हैं. और हम उसको फिल करने वाले हैं. सो वी आर डन विद वन आई. हम अब सेम हम अपनी दूसरी आई में फॉलो अप करेंगे. And we are done with our liner. We are done with our eyeliner part. और eyes का part almost ख़त्म हो चुका है. इतना ही करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा. अब हम लगाएंगे blush, जो कि बहुत important है. ये normal से face में ना एकदम जान से डाल देता है. और मैं इसको हाथ से blend करने वाली हूँ.
एंड इफ यू थिंक ये ज़्यादा हो चुका है ना, जस्ट टेक योर सम सीसी क्रीम और उसको लगा दो और उसको ब्लेंड कर दो, तो वो ना कम हो जाता है। इस तरह से एक सूखे से चेहरे पे जान आ चुकी है एंड बहुत ही प्रिटी प्रिटी ये लग रहा है। तो वी आर ऑलमोस्ट डन। अब लास्ट है हमारा लिपस्टिक का। तो लिपस्टिक लगाने से पहले वी गोना रिमूव द लिप बाम एंड उसके ऊपर हम लिपस्टिक लगाने वाले हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली लिपस्टिक लगा देंगे ना तो वो स्टे नहीं कर पाएगी ज़्यादा देर तक। फॉर द लिपस्टिक्स आई एम यूजिंग पिलग्रिम की मैट मी लिपस्टिक्स। तो मेरे पास दो शेड अभी हैं, एक है मेरे पास 09 सॉसी कोरल और दूसरा है 03 बॉसी ब्राउन। तो मैं अभी ना 03 वाला यूज कर रही हूँ। तो ये है पिलग्रिम की मैट मी अप लिपस्टिक। ये टोटल 16 डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में आती है और लगाने के बाद एक मैट फिनिश देती है, पर बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं फील होता है लिप्स में। इसी के साथ ये ट्रांसफर प्रूफ और स्मज प्रूफ भी है एंड ईजिली ग्लाइड हो जाती है एंड कलर्स भी काफी रिच हैं। मैं तो पिलग्रिम की मेकअप रेंज से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। ट्रूली दिस इज नॉट जस्ट मेकअप बट स्किन केयर टू। यू कैन यूज माई कोड टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑन पिलग्रिम्स वेबसाइट www.discoverpilgrim.com। लिपस्टिक सो स्टार्टिंग में जब आप इसको अप्लाई करते हो ना तो एक ग्लॉसी सा फिनिश आता है, लेकिन अप्लाई करने के बाद ये मैट हो जाती है। ओके, तो लास्ट स्टेप है हमारा। अब मेरे पास यहाँ पे बिंदी नहीं है, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये लाइनर से एक छोटा सा बिंदी लाने वाली हूँ। सो वी आर डन विद आवर मेकअप। यही था मेरा छोटा मोटा सा मेकअप रूटीन। अब फटाफट से चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज द फाइनल लुक। सो दिस इज़ हाउ द लुक टर्न आउट। और इसके साथ ना थोड़े झुमके और जाते ना तो एकदम मज़ा आ जाता, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं। और इसके साथ अगर आप बाल को स्ट्रेट कर सकते हो, कर्ल कर सकते हो, क्योंकि बालों को स्टाइल करने के बाद ना अलग ही लुक आता है, तो वो भी आप कर सकते हो। जितना मैंने मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किया है उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट पिलग्रिम की न्यू मेकअप रेंज, लिंक्स मिल जाएंगे आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग रियली थम्स अप। और हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू सुपर सून। ये मेरी ना पहली इस तरह से कोई वीडियो थी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।